हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्गर बेस टू स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं हम अपना अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। ठीक है, इससे पहले हमने यूजीसी नेट का जो आपका एग्ज़ाम है पेपर वन, उसकी सारी की सारे सब्जेक्ट्स की हमने वीडियोज़ इस चैनल पर डाली हुई हैं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोज़ को जाकर रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, जो ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट है ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, कॉमर्स हो गया आपका, मैनेजमेंट हो गया, तो हम आप इन दोनों को जो दो स्ट्रीम्स वाले बच्चे हैं वो देख सकते हैं। प्लस में कोई 11th क्लास का स्टूडेंट है, बीकॉम का है, एमबीए का है या एमकॉम का है, या फिर जो आप नेट एंड जेआरएफ की आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाला जो सब्जेक्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग प्रॉपर बेसिक से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक मतलब प्रॉपर, हम लोग नींव यहाँ पे आज खड़ी करेंगे और धीरे 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 हम जब इस सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे तो आपके पास एक बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। आप कहोगे हाँ अब मेरे पास एक मास्टरी है किसमें, अकाउंट्स में। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन है आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सब्जेक्ट, और आई थिंक ये पहला लेक्चर होगा जो कॉमर्स के सब्जेक्ट से पूरा हम डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, आपके यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलिए, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में एक बेल आइकन है, ठीक है, उसको आप प्लीज़ दबा लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जब कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होती है ना तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाती है और आपको पता लग जाता है हाँ भाई वीडियो आ गई है तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो अकाउंट्स का लेक्चर है वो ऑलमोस्ट रेगुलर आएगा। ठीक है, कोई एक दो दिन बीच में अगर छुट्टी हो सकती है तो होगी, लेकिन उसके अलावा रेगुलर ही अकाउंट्स का सब्जेक्ट चलता रहेगा। ठीक है, प्लस में कुछ दिन बाद हम कोई और कॉमर्स का सब्जेक्ट शुरू करेंगे, हो सकता है हम लोग बैंकिंग शुरू कर दें जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हमें पढ़ने से पहले ना उसका थोड़ा सा मतलब, उसका बेसिक क्या होता है वो अब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग देखो दो वर्ड से बना है, अकाउंट इंग है ना। मैंने आपको बताया जब भी हम ing लगा देते हैं किसी भी वर्ड के पीछे तो वो एक क्या बन जाता है, वो एक आपका प्रोसेस बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रोसेस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें किसी प्रोसेस की बात करने वाले हैं, है ना। अब देखिए, जो 11th क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, या बीकॉम में, एमबीए में, एमकॉम में हैं, ठीक है, या जो आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होगा, लेकिन अभी जो 11th में जस्ट नए नए बच्चे आए हैं ना 11th क्लास में, उन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें। और दूसरा, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो नेट और जेआरएफ अपना कंप्लीट भी कर लेते हैं, पीएचडी भी कंप्लीट कर लेते हैं, मगर उन्हें बेसिक अकाउंट्स की नॉलेज तक नहीं होती है, है ना। ये शायद आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनमें कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स रह जाते हैं जिन्हें आप सोचते हैं छोड़ो यार स्किप कर देते हैं, लेकिन ये आने वाले टाइम में जब आप पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम होने वाली है। तो अभी हम इसलिए बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका छूट गया था वो आप दोबारा कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे। जो भी कर रहे हैं, जैसे 11th क्लास का है या 12th क्लास का स्टूडेंट है, तो वो बढ़िया तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस में हम लोग बात करते हैं। पहले नॉर्मल हम देखें, अगर ये सब कुछ छोड़ दें तो हम इसमें एक चीज़ देखते हैं कि अकाउंट्स क्या है या अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए देखिए, अगर हम बात करें अकाउंट्स की या अकाउंटिंग की, ठीक है, तो देखिए अकाउंटिंग का मतलब एक प्रोसेस है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ड के पीछे अगर ing लग जाता है तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसा, ठीक है, प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, अब अकाउंट्स का शुरुआत कैसे हुआ, क्या होता है, क्या इस बारे में क्या जानना क्या चाहते हैं हम लोग, सब कुछ पता लगेगा। देखिए, कोई भी एक इंडिविजुअल, ठीक है, ये दो, या कोई भी फर्म हो गई, पार्टनरशिप, कोई भी ऐसा पर्सन जो अपना अकाउंट मेंटेन करना चाहता है, मतलब वो देखना चाहता है कि मैंने कितना खर्चा कर दिया या कितना खर्चा होने वाला है,
ठीक है। मेनली हम देखते हैं कि हमने कितना खर्चा कर दिया है, हम यहां बात करते हैं किसकी, पास्ट की, कि हमने कितना खर्चा कर दिया है, ठीक है। उसको हम एक प्रॉपर अकाउंट में हम लोग मेंटेन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या उस वो जो हमारा अमाउंट निकल के आया वो प्रॉफिट में है या लॉस में हम लोग गए हैं, ठीक है। तो हम बात करें अगर यहाँ पे कि अकाउंट्स क्या है, हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक पर्सन है आपका सीए, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है, ठीक है, जो आपके अकाउंट्स को मेंटेन करके बताता है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके अकाउंट्स को मेंटेन करता है और वो बताएगा कि आपने पिछले एक साल में, एक साल का मतलब क्या है, इंडियन इंडियन जो अकाउंटिंग सिस्टम है या हम जो फॉलो करते हैं आईएफआरएस, उसके अकॉर्डिंग 1 ऑफ अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एक हमारा अकाउंटिंग पीरियड है जिसके बारे में अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस एक साल में, इस एक ईयर में आपने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस किया और किस किस चीज पे किया, ये आप लोग यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं। अब देखिए शुरुआत क्या कैसे हुई, कुछ ना बिजनेस पर्सन थे वो अपना देखना चाहते थे कि हम लोग अकाउंट्स कैसे हैं मेंटेन करने, क्या क्या हमारे जो प्रीवियस ईयर का जो हमारा प्रॉफिट था वो कम था आज के प्रॉफिट से, या आज हमने ज़्यादा कमाया है, ठीक है। उसके बेस पे एस्टिमेट लगाना कि हम फ्यूचर में क्या क्या ऐसे प्रोग्राम्स चलाएं जिसके थ्रू हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे देखो, कोई भी चीज़ जब इमर्ज होती है ना, वो छोटी होती है, बड़ी छोटी होती है, जब वो धीरे 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 चलती रहती है तो वो बहुत आगे वाले आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे ये लगा लो, ये अकाउंट्स का ए था और यहाँ पे पूरा आके अकाउंट्स बन चुका था, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आज के टाइम में अगर हम देखें, अगर 2021 के ईरा में अगर हम देखें, तो ये प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग का हमारे पास मतलब आ चुका है कि अकाउंट्स है क्या, अकाउंट्स एक प्रोसेस, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि हम लोग जर्नल्स बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुत सारे, मान लो कैश फ्लो बना लिया आपने, फंड फ्लोज बना लिए, तो ये क्या एक बहुत बड़ी प्रोसेस बनती जाती है जिसमें हम बात करते हैं सारी चीज़ों का, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें कि है क्या अकाउंटिंग, अगर हम अब बात कर लें कि उसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन में हम देखते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट, ये पहली बात, तो एक आर्ट है किस चीज़ की, रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफाइंग करने की, समराइजिंग करने की, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, किन के टर्म्स में, मनी में, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स में, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। देखिए अगर मैं कहूं कि आपने ना कहीं शॉपिंग करने गए, मान लो ये कोई ABC लिमिटेड थी, ठीक है, आपने ना, आप इनकी शॉप पे गए और इनकी शॉप से आपने क्या किया, आपने दो जीन्स खरीदी, ठीक है, दो जीन्स खरीदी। अब यहाँ पे तो हैं आप, ठीक है, यहाँ पे हैं आप और यहाँ पे है कौन, शॉपकीपर, ठीक है, यहाँ पे है कौन, शॉपकीपर आपका। तो अगर हम देखें, आप यहाँ पे आए और आपने कहा कि जी हमें ना दो जीन्स खरीदनी है, कि ठीक है जी ले जाओ कोई बात नहीं, ठीक है, एक जीन्स है 1000 रुपये की, ठीक है, एक जीन्स है, उसने कहा 1000 रुपये की। अब आपने कहा ठीक है मुझे दो जीन्स दे दो, एक एक दे दो आप मुझे ब्लैक कलर की और दूसरी दे दो आप मुझे ब्लू कलर की, ठीक है, बढ़िया सी आपने ली और आप आ गए, आप घर से कुछ सोच के गए होंगे कि हाँ भाई मैं ना 2000 रुपये लेके जा रहा हूँ और मुझे दो जीन्स ही लेके आनी है, ऐसा सोच के गए होंगे, मतलब आप अपना कुछ बजट बना के गए होंगे, बजट बना के गए होंगे। अब आप जब दो ये जीन्स ले आए, तो अब ये शॉपकीपर क्या करेगा, शॉपकीपर के पास क्या सिर्फ आप आए हैं, या आप जैसे कस्टमर कम से कम उसके पास पूरे साल में 10,000 आते होंगे, आते होंगे, मान लो 10,000 आए, तो वो 10,000 की क्या वो मॉनिटरी वैल्यू जो हो, मान लो आपने 1000 रुपये की एक दो जीन्स खरीदी है 1000 1000 की, मान लो कोई ऐसा पर्सन आया जो मनी को इतनी वैल्यू नहीं देता और वो पर्सन वो 5000 की एक जीन्स लेके जाता है, और कोई बंदा आता है वो 500 रुपये की एक जीन्स लेके जाता है, तो दोनों में डिफरेंस है। अब ये जो ये शॉपकीपर है, ABC लिमिटेड का शॉपकीपर है या ओनर है, क्या ये हर एक पर्सन की मॉनेटरी वैल्यू और
पर्टिकुलर ये चीज याद रख सकेगा नहीं रख सकेगा। तो वो ना एक बुक बनाता है, वो क्या बनाता है, एक बुक बनाता है, ठीक है। उस बुक को कहते हैं हम लोग जर्नल, क्या कहते हैं हम लोग जर्नल, ठीक है। अब इस बुक में ना वो सारी एंट्रीज करेगा, क्या करेगा, वो सारी की सारी एंट्रीज करेगा और वहां पे पर्टिकुलर लिखेगा कि हाँ भाई इस पर्सन ने, मान लो आपका नाम था श्याम, ठीक है, वो यहां लिखेगा कि हाँ जी श्याम ने मुझसे दो जीन्स ली है, यहां पे नरेशन में लिखेगा दो जीन्स ली है और उसने 1,000 रुपए की मुझसे ली है, ठीक है। तो वो एक प्रॉपर जर्नल लिखेगा, अभी जर्नल हम समझेंगे नहीं, ठीक है, जर्नल पर्टिकुलर मैं आपको प्रॉपर लेक्चर है, क्योंकि जर्नल ही एक ऐसी चीज है जो पूरा बेस है अकाउंट का, ठीक है। तो देखिए अब आपने जीन्स ली, तो वो ऐसा ऐसे 10,000 पर्सन की वो अलग 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 लिखेगा कि हाँ भाई इसने इतने की जीन्स ली, इतने की इसने इतने की हैंकी ली, इसने इतने की शर्ट ली, इसने इतने की जैकेट ली, ठीक है, इसने इतने की कैप ली, इतने इसने इतने की सॉक्स ली, कुछ भी पर्टिकुलर, वो हर एक पर्सन की वहाँ पे लिखेगा कि हाँ भाई ये पर्सन ये वाली अमाउंट, ये वाला प्रोडक्ट लेके गया और इस अमाउंट को लेके गया और इस डेट को लेके गया, तो वो यहाँ पर डेट भी लिखेगा, क्लियर है। तो वो ये सारा काम करेगा कि हाँ भाई इस ये पर्सन आए थे, ये मेरे कस्टमर रहे हैं पिछले 1 साल के अंदर, ठीक है। तो अब 1 साल में जो जो पर्सन रहे हैं, जो जो कस्टमर उसके पास रहे हैं, उन सब की वो जो एंट्री करेगा वो कहाँ करेगा, जर्नल में करने वाला है, ठीक है। अब ये सिस्टम शुरू होगा, लेकिन इस जर्नल से पहले ना एक चीज़ और आती है, हम जब ये लिख तो लेंगे लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आएगी। अब सोचो क्या जब आप आए हैं तो उस वक्त सीधा आते उसने जीन्स दिखाई आपको ब्लू और ब्लैक कलर की, हाँ भाई ले पकड़ जा, ऐसा किया नहीं, उसने आपको ग्रीट किया, है ना, हेलो सर, वेलकम सर, है ना, या उसने एक ऐसा एक छोटू रखा हुआ है, ठीक है, एक उसने एक छोटू रखा हुआ है जो कोई भी आता है ना, कोई कस्टमर आता है तो उसको लाके देता है पानी, क्या लाके देता है पानी, उसने क्या आपसे पानी के पैसे लिए, इनडायरेक्ट वे नहीं, डायरेक्ट वे, क्या उसने ये कहा कि जी 1,000 की तो 2,000 की तो आपकी जीन्स हो गई, 2,000 की आपकी जीन्स होगी और ना 10 रुपए का पानी हो गया, 10 रुपए के पानी के पैसे तो नहीं लेगा वो, नहीं लेगा। ये जो पानी है ये क्या एक सर्विस है, क्या ये एक सर्विस है या नहीं है, तो वो इस सर्विस के पैसे नहीं लेगा और इस सर्विस को देने के लिए जो मॉनेटरी वैल्यू पर्टिकुलर पर्सन पे आई है, पर्टिकुलर पर्सन पे आई है, वो मॉनेटरी वैल्यू बोल तो मनी टर्म्स में उसे वो कंप्यूट नहीं कर सकता है। अब वो कंप्यूट नहीं कर सकता है तो उसकी एंट्री भी इस जर्नल में नहीं आएगी, क्लियर है, ठीक है। आप एक पर्सन थे जिसने जो जीन्स लेने गया, ऐसे बहुत सारे पर्सन आएंगे जो जिस और वो अपनी माइंड में याद नहीं रख सकेगा, तो उसके लिए वो जर्नल में एंट्री करेगा, लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, मान लो उसने AC लगा लिया, पानी प्रोवाइड करा दिया आपको, आपको उसने ग्रीट किया, उसका जो छोटू है उसकी सर्विस के भी क्या उससे उसने आपसे पैसे लिए हैं, नहीं लिए, इनडायरेक्ट वे को छोड़ के अगर हम डायरेक्ट वे की बात करें, डायरेक्ट तो नहीं मांगे ना, उसने ये तो नहीं कहा कि जी 2,000 के आपके जीन्स है, 10 रुपए का पानी है और ना 15-14.5 रुपए की जो है वो छोटू की सर्विस हो गई, आप वो भी पे करके जाओ, ऐसा नहीं कहा। तो ये क्या है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम आती है, तो यहां से जो ये सर्विस वाला एरिया है इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इन जो भी चीज़ को हम मनी टर्म्स में बोल तो पैसे में हम जिस चीज़ को कंप्यूट नहीं कर सकते, हम नहीं पता लगा सकते कि इसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, वो हम लोग जर्नल में नहीं डालेंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स का जो सबसे पहला होता है उसे हम कहते हैं आइडेंटिफाई करना। मैं एक बार ही सब रब कर दे रहा हूं, दूसरी ले लेते हैं, कोई बात नहीं छोड़ो। एक सेकेंड यार, चलिए जी देखो, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका आइडेंटिफाई करना, क्या करना, आइडेंटिफाई करना। अब किस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग, किस चीज को, आपके जो मॉनेटरी जो मॉनेटरी वैल्यू है, या आप यू कहें कि जो ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है, आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, क्या करेंगे, आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे क्या, ट्रांजेक्शन को। उसके बाद उन ट्रांजेक्शन को आप लोग कहीं नोट करेंगे। यहां पे दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका कैश मेमो और एक आता है आपका जर्नल्स, ठीक है। देखिए जब ना आपके स्मॉल बिजनेस होती है, ठीक है, मैं आपको दोनों चीजें लिख देता हूं,
जब आपका स्मॉल बिजनेस होगा, यहां लिखता हूं यहां पे, जब आपका बिजनेस स्मॉल होगा और जब आपका बिजनेस लार्ज होगा, ठीक है। जब आपका बिजनेस स्मॉल होगा तो वहां पे आप लोग लिखेंगे जो एंट्रीज ये वाली है वो डालेंगे आप जर्नल में, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उस स्मॉल बिजनेस की जो एंट्रीज हैं वो डालेंगे आप लोग जर्नल में, और जो लार्ज बिजनेस जो मतलब बहुत सारी जो मतलब प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपसे इकलौते संभल भी नहीं रहा, ठीक है। तो वो सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो किस चीज में करते हैं, वो करते हैं आप अपनी सब्सिडरी बुक्स में। किसमें? सब्सिडरी बुक्स में, क्लियर है, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस होगा तो आप जर्नल में करेंगे, लार्ज बिजनेस होगा तो सब्सिडरी बुक्स में करेंगे। उसके बाद थर्ड टर्म आती है आपकी लेजर। अब आपने ये किया यहां पे ना, हर एक से कर लिया, मान लो यहां से कोई राम था वो 10,000 का सामान लेके गया, कोई श्याम था वो 2,000 का सामान लेके गया, कोई रामू काका आ गए वो उधार पे सामान ले गए। तो यहां पे ना अलग अलग बनेगा, मान लो कोई कैश का लेके गया तो उसका कैश अकाउंट अलग बनेगा, कोई उधार का लेके गया तो उसका क्रेडिट अकाउंट अलग बनेगा, कोई परचेज किया तो परचेज अकाउंट अलग बनेगा, सेल किया तो सेल अकाउंट अलग बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग अकाउंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, बाइफरगेट कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे पर्टिकुलर चीज में। मान लो सेल का है तो सेल अकाउंट बनेगा, मतलब आपने जितनी भी सेल करी है प्रीवियस एक साल में, आपने परचेज किया तो जितनी भी परचेज किए प्रीवियस एक साल में, आपने सेल्स को रिटर्न किया तो रिटर्न जितने भी किए आपने वो एक साल में, वो पर्टिकुलर एक एक अकाउंट में वो बनता रहेगा। तो इसे इन अकाउंट्स को बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, लेजर, क्लियर है। उसके बाद फोर्थ टर्म जो आती है वो आती है आपकी ट्रायल बैलेंस। क्या आती है? ट्रायल बैलेंस। अब यहां पे आप देखेंगे कि जितने भी अकाउंट्स मैंने बनाए, क्या उसका डेबिट, दो साइड्स होती हैं हमारे अकाउंट्स में, डेबिट और क्रेडिट। इसको हम अच्छे से समझेंगे, अभी एक बार याद रखिएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। हम डेबिट को डिनोट करते हैं DR से और क्रेडिट को डिनोट करते हैं CR से, ठीक है। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक बार थोड़ा सा स्किप करिए कि होता क्या है ये, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट ध्यान रखिएगा बस इतना सा कि हमारे दोनों साइड होती हैं, ठीक है। डेबिट हो गया, मान लो डेबिट हो गया माइनस वाला, क्रेडिट हो गया प्लस वाला, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। तो हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए, कि अगर हमारे डेबिट साइड में 1,000 की अमाउंट है तो क्रेडिट साइड में भी 1,000 की अमाउंट होनी चाहिए। इसका मतलब हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट बनाए हैं, बिल्कुल सही अकाउंट्स हैं वो, क्लियर है। ये हो गया ट्रायल बैलेंस। इसके बाद बनता है आपका क्या, एक सेकेंड, इसके बाद बनता है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो पहले हम बनाते हैं एक अकाउंट बनता है ये, पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके साथ साथ में ही बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और इसके बाद फाइनली जो बात आती है वो क्या आती है, वो बनती है आपकी बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट से पता लगाते हैं कि हमने प्रीवियस एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, क्लियर है। अब देखिए, अगर आप प्रॉपर तरीके से जानना चाहें कि मैंने मेरे बिजनेस में मैंने मेरे देखो मैं दो लाइन बोलूंगा, एक मैं ये बोलूंगा मैंने एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, मैंने ये एक मेरी स्टेटमेंट है, और मैं दूसरा बोलना चाह रहा हूं कि मैंने मेरे बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब यहां पे दोनों बातें अलग अलग हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब मैं ये बोलता हूं कि मैंने पिछले एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक साल की बात कर रहा हूं। मान लो मैं ये बात करता हूं 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये मेरा एक साल है, इस एक साल में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, तो ये तो क्या हुआ, ये मेरे मैं पूछ रहा हूं मैंने एक साल में कितना कमाया। और जब मैं कहूं कि मैंने मेरे बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाया, तो बिजनेस से प्रॉफिट तब पता लगेगा आपको जब आप अपना बिजनेस बंद करेंगे, ठीक है। जब आप बिजनेस को बंद कर देते हैं, वाइंड अप कर देते हैं, तब आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है कि मैंने मेरे पूरे बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाया। एक चीज है पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया, दूसरी चीज है मैंने मेरे बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाया। तो बिजनेस से प्रॉफिट कमाना हुआ जब मैं बिजनेस को वाइंड अप कर दूंगा, बोले तो बंद कर दूंगा, उसके बाद जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो हुआ मेरा बिजनेस का प्रॉफिट। इतनी चीज क्लियर है,
चलिए अब देखिए, मैंने आपको सारा बताया, ठीक है। पहला पहली क्या बात थी? पहली थी आइडेंटिफाई करो आप बिजनेस की ट्रांजेक्शन को, बिजनेस की ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मेजर करेंगे हम लोग आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन बोले तो वही आपका जो मॉनिटरी टर्म्स में हो गया वो सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद हम उन ट्रांजेक्शन को अपने जर्नल में करेंगे। अब जर्नल कहां पे आता था? अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो आप करेंगे जर्नल में, और अगर आपका लार्ज बिजनेस है तो आप किस में करेंगे? सब्सिडरी बुक्स में, ठीक है। उसके बाद इसे आप क्लासिफाई कर देंगे, जिसे हम कहते हैं क्या? लेजर। फिर उसके बाद समराइज करते हैं, बोले तो ट्रायल बैलेंस। फिर एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट भी बनती है, ठीक है। समराइज में आपका क्या नाम है, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फिर P&L और बैलेंस शीट दोनों बन जाती हैं। फिर बात आता है एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। इस बैलेंस शीट से आप निकालोगे कि मैंने मेरे बिजनेस से पिछले एक अकाउंटिंग पीरियड में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस कमाया, हाउ मच, ठीक है। एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं कितना निकाला या क्या क्या काम किया। उसके बाद मैं उन सभी इंफॉर्मेशन को अपने यूजर्स को, अब ये यूजर्स कौन होते हैं सर? यूजर्स बताते हैं आपको कौन होते हैं। आपके बिजनेस के यूजर्स हुए लाइक आपकी गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट कैसे हुई? गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। टैक्स का नाम सुने? टैक्स का, इनकम टैक्स सुने? तो आपसे जब गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो वो क्या है, वो पता ऐसे ही तो पता लगाएगी कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ और मैं कितने प्रॉफिट पे कितना टैक्स लूंगा, यही तो हुआ। तो आपका जो पहला यूजर हुआ वो हुआ गवर्नमेंट। दूसरा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं सर? क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे आपने उधारी ली हुई है, ठीक है। आपने मान लो आपने 1 लाख का सामान किसी पर्सन से लिया, तो उसको पूरा जानने का हक है कि आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, और वो जितना प्रॉफिट हो रहा है वो उस हिसाब से आपसे डिमांड कर सकते हैं, है ना। आप पे प्रेशर डाल सकता है कि मुझे मेरा पैसा वापस दो, क्लियर है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे पर्सन, आपके जो इंटरनल एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज कैसे हैं, तो ये अभी सारा पर डिस्कस करने वाले हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यूजर्स में ये सारे आते हैं जिनको आपके कंपनी की या आपके जो बिजनेस है उसकी इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वो अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पूरा प्रोसेस है, इस पूरी चीज को मैं प्रोसेस कह सकता हूं, है ना, इस चीज को प्रोसेस कह सकता हूं। अब इसकी डेफिनेशन में जाइए। कहते हैं अकाउंटिंग क्या है? ये एक आर्ट है किस चीज को रिकॉर्ड करने का, बिल्कुल रिकॉर्ड करने का, किस चीज को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, देखिए क्लासिफाई करने का है, समराइज करने का है, बिल्कुल जी समराइज भी करेंगे, फिर करेंगे किसमें? सिग्निफिकेंट मैनर में, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी में करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, फाइनेंशियल करेक्टर बोल तो मॉनिटरी टर्म्स, है ना, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, एंड इंटरप्रेट करेंगे हम अपने रिजल्ट को और उसके बाद कम्युनिकेट कर देंगे अपने यूजर्स को। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अब ये डेफिनेशन दी किसने है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं APA, इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? APA, ठीक है। तो ये क्या है? आपका एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस, और जिसे दी किसने? APA ने, ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, क्लियर है। अब इसे आप याद कर सकते हैं IMRC SAC, बस यही याद करना है, IMRC SAC 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा। आई से बोल तो आइडेंटिफाइड करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, उस बाद एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना, और उसके बाद कम्युनिकेट करना, किसको? अपने यूजर्स को। खत्म। अकाउंटिंग क्या होता है ये हम जान चुके हैं, अच्छे से जान चुके हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया होगा, और तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक भी नहीं किया, और हमारा ना एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, ग्रुप है कॉन्सेप्चुअल स्टडी को, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी, ऐसा एक लोगो है वहां पर भी, ठीक है, तो आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, आपको वहां पे रेगुलर में अपडेट मिल जाती है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं,
हमने अकाउंट समझ लिया है क्या है क्या नहीं। अगर देखो अभी तक नहीं भी समझ में आया ना कुछ तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछे, मैं आपको रिप्लाई कंफर्म दूंगा ही दूंगा, ठीक है? आपको रिप्लाई मिलेगा जरूर, आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी, ठीक है? चलिए अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके अकाउंटिंग के? ऑब्जेक्टिव्स मतलब हम करना क्यों चाहते हैं, या अकाउंटिंग भला क्या है, करना क्या चाहते हैं? इतना सब हमने पढ़ लिया, करना क्या चाहते हैं, ठीक है? तो किस लिए करते हैं? टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, हम एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। मान लो आपने 2001 2001 से 2000 फिर 2 फिर 2003 4 5 6 ऐसे चले आए 2021, क्या आप इन सभी, अगर मान लो आपने प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आपने सभी के सभी अकाउंट्स को मेंटेन किया है, अब अकाउंट्स में वही सब आ जाएगा, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट ये सब आ जाएगा। अगर आपने इन सभी को अच्छे से रिकॉर्ड किया है, ठीक है, मेंटेन किया है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि मैंने 2001 में और 2021 में कितना प्रॉफिट कमाया है, यहां से यहां तक कितने परसेंटेज मैंने इंक्रीज या डिक्रीज किया है अपने प्रॉफिट को, देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम अकाउंट्स और किस लिए बनाते हैं, अपने प्रॉफिट्स को क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? तो अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लेंडिंग टू नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है उसका एग्जैक्ट रीजन जानने के लिए हम लोग ये बनाते हैं, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। देखिए सबसे मेन क्वेश्चन यहां से बनता है कि बैलेंस शीट से हमें पता क्या लगता है, जी हमें बैलेंस शीट से ना हमारी फर्म की या हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल क्या पता लगता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है, मतलब हमारी बिजनेस की औकात क्या है, क्या है औकात, क्या है कि हम किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? फिर है टू प्रिवेंट दी डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, कुछ एरर्स रहे होंगे कुछ फ्रॉड्स रहे होंगे, तो हम जब उन अकाउंट्स को बनाते हैं तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, कुछ मतलब जो एरर्स हैं उनको हम लोग खत्म कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं हम अपने बिजनेस को उन एरर से उन फ्रॉड से। मान लो कोई पर्सन है उसने 30,000 लिखना था और उसने लिख दिया 3,000, उसने एक जीरो वो बेचारा मतलब भूल गया, ठीक है, अकाउंट बनाते हुए। तो जब हम क्रॉस चेक करते हैं या अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो उस टाइम हम देखते हैं कि क्योंकि दो अकाउंट बनते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि डेबिट और क्रेडिट, तो हम दोनों साइड देखते हैं कि यार इस साइड कितना है और इस साइड कितना है, तो वहां पे हमको पता लग जाता है कि यार अहो यहाँ पे गलती है, यहाँ पे तो एक जीरो और आनी थी। तो इस तरह की जो भी फ्रॉड्स हो जाते हैं या एरर्स हो जाते हैं हम उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को, ठीक है? टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज एंड यूजर्स, हमने बात करी लास्ट में, सबसे लास्ट क्या था, IMRC SAC, सी बोले तो कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट किसको करना, अपने यूजर्स को, ठीक है? और यूजर्स में कौन कौन आते हैं अभी देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखो यूजर्स, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, किस किस का यूजर्स है, कौन कौन है, एक तो इंटरनल है और दूसरे एक्सटर्नल्स हैं। इंटरनल में कौन कौन आएगा, ओनर आएगा, मालिक आएगा, कौन आएगा, मालिक आएगा, बिल्कुल जी बिल्कुल आएगा, मालिक आएगा। उसके बाद मैनेजमेंट आएगी, जो मैनेजमेंट संभाल रही है, जो जो आपके बिजनेस को संभाल रही है वो आएगा, बिल्कुल आएगा। ओनर्स और मैनेजमेंट ये आएंगे, आपके यूजर्स आएंगे, ठीक है? एक्सटर्नल, अब जो आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स में देखो ध्यान से सोचो, तो आपके एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जिनसे आपने पैसा लिया है या जिनको आपने पैसा दे रहे हैं, उसमें चाहे आपका गवर्नमेंट है, आपके चाहे क्रेडिटर्स हैं, चाहे आपके डेटर्स हैं, वो सभी के सभी यहां पर आ जाते हैं, ऐसा ही है, ठीक है? ठीक है, तो यहां पे गवर्नमेंट मेनली, यहां पे जो हम बात करते हैं वो गवर्नमेंट की बात करते हैं, या फिर आपके जो मान लो इन्वेस्टर्स हैं, भाई इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं वो पर्सन जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे, उसे हम कहते हैं आपके इन्वेस्टर्स, ठीक है? इन्वेस्टर्स हो गए, आपकी गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, आपके क्रेडिटर्स हो गए, आपके डेटर्स हो गए, ठीक है? ये सभी क्या है, ये सभी आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उनको आपके आपके जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कौन सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की उनको जरूरत होती है, इसलिए हम उन्हें यूजर कहते हैं। और कौन से यूजर हैं ये वाले सारे, ये सारे हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स। और इंटरनल में कौन कौन, ओनर्स हो गया, ओनर्स हो गए या फिर मैनेजमेंट हो गई, क्लियर है? चलिए आगे देखिए, अब तीन टर्म्स आएंगे यहां पे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। हमने बात करी किसकी, इसकी, अपनी IMRC SAC, IMRC SAC याद है ये, ठीक है? देखिए मैं लिखूं यहां पर IMRC SAC,
ठीक है, क्या कहते हैं, देखो बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स, सिर्फ रिकॉर्ड करना। मैं एक बार पेन चेंज कर लूँ, है ना, तब आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकेंड रुकिएगा, कौन सा लें, चलिए ब्लू 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 ले लेते हैं। चलो चलो देखिए, यहां तक का जो पार्ट है वो क्या है आपका, बुक कीपिंग। क्या है बुक कीपिंग, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात जब करेंगे हम, जब सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे। अब यहां पे बुक कीपिंग के लिए ना कोई बहुत एजुकेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए, बस उसको ठीक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की अगर नॉलेज होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड कर सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बुक कीपर, जो बुक्स को संभाल रहा है। ठीक है, तो बुक कीपिंग, बुक कीपिंग कीपर से याद कर सकते हैं, जो रिकॉर्ड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा है। ठीक है, फिर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, क्या कह रहे हैं, जहां पे एंड होती है, मतलब यहां पे अगर बुक कीपिंग एंड हो रही है तो यहां से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहां से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और कहां तक होगी पढ़ लेते हैं। इट इंक्लूड्स समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, मतलब अकाउंटिंग यहां से यहां तक, सी से सी तक रहेगी अकाउंटिंग। ठीक है, तो IMR जो हुआ वो है बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग तक है बुक कीपिंग, उसके बाद सी से बोले तो आपका जो क्लासिफाइंग है, क्लासिफाइंग से लेके कम्युनिकेटिंग करने तक का इन सभी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग। अब सर ये अकाउंटिंग हो गया, बुक कीपिंग हो गया, अकाउंटेंसी क्या बला है, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी क्या, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द अकाउंटिंग। हम जो ये बुक कीपिंग कर रहे हैं, हम जो ये अकाउंटिंग कर रहे हैं, इस पूरे टर्म्स को, इस पूरे चीज को हम जब थ्योरी थ्योरेटिकल पोर्शन में बात करें या फिर प्रैक्टिकल पोर्शन में बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी। क्लियर है, रिकॉर्डिंग तक बुक कीपिंग, उसके बाद सी से लेके सी तक अकाउंटिंग, और इस पूरी चीज को हम क्या कहेंगे, अकाउंटेंसी। क्लियर है जी, चलिए आगे देखें। अब इसके कुछ ना ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं, ब्रांचेस मतलब जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, मान लो ये पेड़ है, ठीक है, और मैं ऐसे 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 बढ़िया सा पेड़ बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें इसमें ये जो ये बना रहा हूँ मैं, ये लीव्स लीव्स हैं, मतलब बहुत गंदा पेड़ बना रहा हूँ इसमें, तो यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं, तो हम कहते हैं कि यार ये तो पेड़ की ब्रांचेस हैं, है ना। तो वैसे ही ना अकाउंटिंग की ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, अब ब्रांचेस का मतलब क्या है, इन इन ब्रांचेस का मतलब क्या है कि हम कहाँ कहाँ पे अकाउंटिंग करते हैं। तो अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, जिसमें हम बात करते हैं कॉस्ट की, जब हम प्रोडक्शन करते हैं ना, प्रोडक्शन समझते हैं, जब हम किसी चीज को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट सबसे कम आए, सबसे कम आए वहां पे है, उस चीज को जब हम मेंटेन करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग जब देखो ये बहुत बड़ी टर्म्स हैं, अभी मैं इनको एक एक दो दो लाइन में इतनी बारीकी से नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन जितना मैं बोल रहा हूँ उतना थोड़ा सा याद रखिएगा, तो जब आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ना तब आपको चीज़ें याद रहेंगी, आपको आएगा हाँ सर ने ये पढ़ाया था। ठीक है, मैं इसको इसलिए हल्का हल्का बता देता हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा वाइड सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हम कॉस्ट में, कॉस्ट की बात करते हैं कि कॉस्ट को कम कैसे किया जाए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग ना मेंटेन करके चलते हैं कि हमारे जो मतलब, अब मैं आपको अगर डेट्स बताऊं या इक्विटी बताऊं तो आपको समझ में नहीं आया, आप यूं समझ सकते हैं कि जिन्होंने पैसा लगाया है ना, जिन्होंने पैसा लगाया है उनको मेंटेन कैसे करना, उनकी उनका रेशियो क्या रहने वाला है, उनको हम पैसा मान लो किसी ने मुझे 10 रुपये दिए हैं तो मैं उनको 12 रुपये किस किस तरह से कमा के दूंगा, तो वो सब काम आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, जो आपकी मैनेजमेंट है बिजनेस की, उनकी अकाउंटिंग करना कि मान लो कोई पर्सन है तो उस पर्सन की वैल्यू क्या है, मान लो एक पर्सन है यहाँ पे, ए पर्सन है, मैंने यहाँ पे एक पर्सन बना दिया, इस पर्सन की वैल्यू क्या है, मान लो ये पर्सन है ए, और ये क्या करता है, ये एक ना ड्राइवर है, ड्राइवर है, ये कहता है जी मैं तो ना जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ स्कूल छोड़ के आपका। ठीक है, मान लो ये स्कूल है, स्कूल में एक ड्राइवर है और ये कहता है जी मैं तो जा रहा हूँ आपका स्कूल छोड़ के, मेरा हिसाब कर दो। ठीक है, अब मेरा हिसाब कर दो, तो ये कहता है मेरा हिसाब करो, तो कहते हैं भाई तेरा हिसाब क्या करें, कहता जी मेरे को चाहिए 10 लाख रुपए। क्या पागल है तू, तूने अपनी जिंदगी में इकट्ठे 10 लाख रुपए देखे हैं, बेवकूफ। ठीक है,
तो कहते हैं चल ठीक है तेरी ना एक काम करते हैं, तेरी अकाउंटिंग करते हैं, और ना दूसरे जो बंदे हैं, दूसरे बंदे मान लो अब यहाँ ना बड़ा अच्छा आपको ना समझाता हूँ, रुको ये ना थोड़ा तरीके समझाता हूँ, ठीक है। वो एक पर्सन था ठीक है, क्या था ड्राइवर, ये कितने मांग रहा था 10 लाख रुपए, कहता जी मेरा हिसाब करो मेरे को 10 लाख चाहिए। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ड्राइवर के अलावा स्कूल में कौन कौन से और होते हैं, कौन कौन होता है आपके, टीचर्स होते हैं, टीचर्स में कौन कौन से आ जाएंगे आपका, मेडिकल का आ गया, मेडिकल डिपार्टमेंट, नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, और एक और आता है कौन सा, आर्ट्स का डिपार्टमेंट है ना। उसके अलावा प्रिंसिपल है ठीक है, पियोन्स हैं, पियोन्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए ठीक है। तो हमने प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो उसके अकाउंटिंग कर रहे हैं मान लो ठीक है, अभी हम पियोन वगैरह छोड़ दें, हम ना चार डिपार्टमेंट्स के टीचर्स लेके चलते हैं कि जी आप ना इसकी वैल्यू लगाओ ठीक है। कि ठीक है जी, जो ये बंदा है ना जो मेडिकल वाला टीचर है, वो कहता है जी मैं इस बंदे की वैल्यू लगाता हूँ, ये मेरे किस काम का आएगा, ये कुछ नहीं, ये तो मेरी गाड़ी चलाने का काम आ जाएगा, चलो इसकी वैल्यू लगाता हूँ मैं 10,000 रुपये। बस रोने लग गए, तो क्या प्रिंसिपल देख ले ठीक है, प्रिंसिपल चिढ़ा रहा है उसको। फिर नॉन मेडिकल वाला कहते हैं ये मेरे काम आ सकता है, केमिस्ट्री के ना लैब्स में ये थोड़ा सा मेरा हाथ बटाने में काम आ सकता है, कि हाँ भाई केमिकल्स लेके आना, उसका उसको उसके एक्सपेरिमेंट्स करवाने में ये मेरी हेल्प कर सकता है, तो मैं इसको ना 20,000 की इसकी वैल्यू लगाता हूँ, कि इसकी 20,000 की वैल्यू है, अगर आज मेरे डिपार्टमेंट में काम करे तो मैं इसको 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। कॉमर्स वाला कहता है कि जी ये ड्राइवर है और इसको ना कैलकुलेशन की थोड़ी अच्छी नॉलेज होगी ठीक है, डिसीजंस बड़े अच्छे ले सकता होगा ठीक है, तो कहेगा डिसीजन अच्छे ले सकता है, तो ये ना फाइनेंस थोड़ा सा अच्छा संभाल सकता है, तो मैं इसकी वैल्यू लगाता हूँ 35,000 रुपये। कितनी? 35,000 रुपये। और ये आर्ट्स वाला कहेगा कि यार ड्राइवर है, और ड्राइवर तो हमने कितने देखे कि क्या क्या बन जाते हैं, मैं इसको पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लो, मैं इसको पढ़ा भी दूंगा साथ साथ, और ये है जो बंदा ना वो मेरे किस काम में हेल्प करेगा, मान लो हमारा ना जो स्कूल की तरफ से जाता है कैंप, उसमें ना ये पेड़ पौधे लगाने काम आएगा, तो ये मान के चलो इसको उसकी मैं वैल्यू लगाता हूँ 30,000 रुपये। तो जो सबसे हाइयर होगी, मान लो फाइनेंस कॉमर्स वाले लगाई इसकी 35,000 रुपये, तो 35,000 रुपये इस ड्राइवर की वैल्यू है। तो ये क्या करा हमने, हमने किसकी, मैनेजमेंट की, पर्सन के अकाउंटिंग अकाउंटिंग कर दिया, पर्सन की वैल्यू निकालना इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक है। फिर है जी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपने सोसाइटी को लेकर, उसकी अकाउंटिंग करना ठीक है, एनवायरनमेंट की अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में आता है, मान लो आपने कितने पेड़ पौधे लगाए, आपके बिजनेस से क्या एनवायरनमेंट पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, और क्या मेजर्स आपने उसमें अपनाए हुए हैं, ये सारी अकाउंटिंग हम लोग एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में करते हैं ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सॉरी एक मिनट, जो मैंने ये सारा बताया ना ये ह्यूमन रिसोर्स का है ठीक है, मैनेजमेंट का भी वैसे सिमिलर होता है, लेकिन मैनेजमेंट में हम लोग सिर्फ मैनेजमेंट का जो सिस्टम करते हैं वो सारा आता है ठीक है। मान लो मैनेजर है, तो मैनेजर क्या क्या काम कर रहा है, किस किस तरह के से काम कर रहा है, वो सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। तो ये दोनों चीज़ें वैसे सिमिलर हैं, लेकिन अगर हम इनके सेपरेट पढ़ेंगे तो जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग को ये वाला सिस्टम कहा जाता है ठीक है। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं था, ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि मैनेजर्स क्या काम कर रहे हैं, या जो हमारी मैनेजमेंट है, मान लो उसमें मैनेजमेंट स्कूल में मैनेजमेंट किसके हाथ में है, मान लो वाइस प्रिंसिपल के हाथ में मैनेजमेंट है, या प्रिंसिपल के हाथ में मैनेजमेंट है, तो आप अपनी मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, कि आपके बिजनेस को या आपके स्कूल को प्रॉफिट हो रहा है और आपके जो पर्सन हैं वो खुश हैं ठीक है, तो वो आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। और जो पर्सन की ड्राइवर की वैल्यू निकाली, ड्राइवर भी तो एक पर्सन है, ड्राइवर एक पर्सन है तो ह्यूमन है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन को रिसोर्स कहा जाता है अकाउंट्स की टर्म में ठीक है, तो वो पर्सन है और उस पर्सन की वैल्यू निकालना इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, देखिए एडवांटेज एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है इसके अकाउंटिंग के, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिल्कुल जी, बिजनेस में बिजनेस की मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो आपकी मैनेजमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, कि हाँ भाई हमने कितना कितना प्रॉफिट कमाया, तो वहाँ से मोटिवेट होते हैं वहाँ के जो पर्सन होते हैं, पर्सनल जो होते हैं वहाँ के, वो मोटिवेट होते हैं ठीक है। फिर उसके बाद
प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, तो हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मिल जाता है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमें उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे बिजनेस की औकात क्या है, हमें वो पता लगती है। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी टैक्स कौन लेगा आपसे, गवर्नमेंट लेगी टैक्स, बिल्कुल लेगी जी। तो गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि आपकी जो टैक्स सॉरी आप पे टैक्स कितना लगाना है, और उस ओनर को जो अपना बिजनेस चला रहा है कि उस पर कितने की टैक्स लायबिलिटी आई है। लायबिलिटी का मतलब आप नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ये जो बेसिक बेसिक टर्म्स है ना, कुछ मुश्किल मुश्किल वर्ड्स, लायबिलिटी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, है ना, असेट्स क्या होती हैं, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है, तो पार्टनरशिप भी अलग से एक आएगा चैप्टर, ठीक है, ये आपके ट्वेल्थ में आएगा, ये ट्वेल्थ में आएगा, ठीक है। बी कॉम के लिए है, एम कॉम के लिए है, एम बी ए के लिए है, ठीक है जी। और ऑब्वियस है, नेट के लिए तो सब कुछ है ही है, ठीक है, नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है, तो पार्टनरशिप अकाउंट जो बनते हैं उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। पार्टनरशिप का मतलब मैं 11th क्लास के बच्चों को समझा दूँ, पार्टनरशिप मतलब दो पर्सन होंगे, ठीक है, दो पर्सन होंगे, और दो पर्सन जब आपस में मिल के एक बिजनेस करेंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक पार्टनरशिप अकाउंट या पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, ठीक है। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ द डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, बिल्कुल वो हमने पहले ही पढ़ लिया कि एरर्स हो जाएं या फ्रॉड्स हो जाएं तो उनसे हम बच जाते हैं। एविडेंस होता है लीगल मैटर्स पे, मान लो ये पर्सन था, इसने इस पर केस कर दिया कि जिसने मेरे 10,000 रुपये खा लिए, तो ये जो अकाउंट्स आपने मेंटेन किया इसे आप जाके कोर्ट में दिखा सकते हैं, ये आपके लिए क्या है, एक लीगल एविडेंस है, क्या है, एक लीगल एविडेंस है, जिसके बेस पे आप कह सकते हैं कि जी मैंने कोई 10,000 नहीं खाए, ठीक है ना, उल्टा इसने 20,000 रुपये खाए हैं, देखो जी आप, तो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, जब आप लोन लेने जाते हैं ना, तो बैंक्स वाले कहते हैं कि आप अपनी ना अकाउंट्स दिखाओ, आप अपने बिजनेस का अकाउंट दिखाओ, ठीक है, आपको क्या प्रॉफिट होता आ रहा है कंटिन्यू, या बीच में लॉस भी हो रहा है, या आपको सिर्फ लॉस हो रहा है, तो वहां पे वो उसके बेस पे, मान लो आपने ना मांगा 1 करोड़ का लोन, आपने उसके बाद बैंक वाला आपके अकाउंट्स को देखेगा, अच्छे से एनालाइज करेगा, उसके बेस पे वो कहेगा हाँ जी ठीक है, आपको कंटिन्यू प्रॉफिट होता आ रहा है, हम आपको देंगे 80 लाख का लोन, ठीक है, 1 करोड़ मांगा था, 80 लाख देंगे उसके अकाउंट्स के बेस पे, ठीक है, और लेकिन उससे प्लेज तो लेंगे, कुछ ना कुछ गिरवी तो रखवाएंगे, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। फिर है लिमिटेशंस, अब लिमिटेशंस क्या है जी, कुछ ना लिमिट, देखो हर सिक्के पहलू होते हैं, मान लो ये कॉइन है तो इसका इस तरफ हेड है, तो जो बैक साइड होगी उस तरफ टेल भी होगा, तो इसी तरह से हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या, अकाउंटिंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, पहली बात, बिल्कुल है, कैसे सर बताते हैं कैसे है? मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, आप दो जीन्स लेने गए थे और आपने उसके बाद क्या किया, उसने वो सर्विस भी प्रोवाइड कराई थी, कितने की, 10 रुपये का पानी और 14.5 रुपये छोटों की सर्विस, ठीक है, तो ये क्या उसने आपसे मांगे थे, लेकिन पैसा तो है, ऑब्वियस चीज है, अगर मान लो 10 रुपए का पानी हरी को पिला रहे हैं और उसके पास 10 कस्टमर आ गए, तो 10 × 10 100 रुपए पर डे, मतलब पर 100 रुपए दो कस्टमर पे, वो 10 कस्टमर पे वो क्या नाम है गवा रहा है, 10 रुपए पर कस्टमर पे वो गवा रहा है, मतलब अगर दिन में उसके पास 10 कस्टमर आते हैं तो 100 रुपये एक दिन का उसका लॉस हो रहा है, लेकिन इस चीज़ को क्या हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, नहीं सर नहीं करते, क्यों, क्योंकि हम इसे मॉनिटरी टर्म्स में बोले तो मनी में हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्ट में है ये, इनडायरेक्ट में हम कस्टमर से लेते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं लेते ना, नहीं लेते वो चीज़ें। फिर एक ओमिशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, तो कई बार ना ओमिशन बोलते भूल जाते हैं, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, क्या होता है भूल जाना, तो हम ना कुछ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं रिकॉर्ड करना, ठीक है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग होती है बहुत खतरनाक चीज़, ठीक है, मतलब हम अकाउंट्स को मैन्युपुलेट चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से कि हाँ भाई हमने देखो बैंक मान लो अभी लोन लेने गए थे आप और आपका कंटिन्यू लॉस होता आ रहा है, लेकिन आपने अकाउंट्स में चेंज करके आपने दिखाया जी हमारा देखो हर साल 10 करोड़ का प्रॉफिट है, आप हमें 1 करोड़ का नहीं आप हमें 20 करोड़ का लोन दो ऐसे, ठीक है, तो ये क्या विंडो ड्रेसिंग कर दिया आपने। इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट होती है आप एक पर्सन हो, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, अब वो चारों के चारों पर्सन अकाउंट्स को अलग अलग तरीके समझेगा, मान लो इसने प्रॉफिट के परस्पेक्टिव से उस अकाउंट को समझा, इसने क्रेडिटर्स के परस्पेक्टिव से समझा, इसने क्या किया, इसने टैक्स के पर्पज से समझा, मान लो ये गवर्नमेंट है
तो टैक्स के पर्पज से समझेगी, ये डेटर है तो ये अपने पैसों के पर्पज से समझेगा। तो सबका जो समझना है वो अलग अलग है, वो पर्सनल जजमेंट पे बात करता है, ठीक है। फिर अकाउंटिंग इज नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट चीज़ नहीं है। जैसे हमने यहाँ बात करी कि मनी में नहीं कर सकते, तो ये एग्जैक्ट चीज़ नहीं है, ये कुछ चीज़ों को अडोप्ट करता है, कुछ चीज़ों को अडोप्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके कुछ क्वालिटेटिव करेक्टरशिक्स हैं, क्या है क्वालिटेटिव करेक्टरशिक्स, ठीक है। तो या एट्रीब्यूट्स करके भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके पांच जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। रिलायबिलिटी, कोई भी चीज रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब होता है आपका भरोसा, आप अपने अकाउंट्स पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पूरी तरीके से देखो 100% कोई भी चीज सही नहीं होती है, ठीक है। तो आप 100% किसी चीज पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं मैं अपने अकाउंट्स पर रिलायबल, आप मतलब ये मानता हूं कि आपने जो अकाउंट्स बनाए वो रिलायबल हैं, वो भरोसेमंद हैं, ठीक है। रेलिवेंस, आपने रेलिवेंस का मतलब होता है कि आपने उसी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्या है रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो दी है अपने अकाउंट से, मतलब बेफालतू की चीज नहीं है कि भाई 10 रुपए का पानी भी दिया था हमने, ठीक है, और 3.5 रुपए का जी एसी का बिल भी आया था उसका जब वो कस्टमर आया था, तो ठीक है हमने एसी चलाया हुआ था और वो कस्टमर इतने दिन रहा था, इतने मतलब 10 मिनट रहा था, तो हमने उस हिसाब से कैलकुलेट किया, तो उसका 3.5 रुपए का ना बिजली का बिल भी बनता है, वो भी हमने इंक्लूड किया, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। फिर है अंडरस्टैंडेबिलिटी, इजिली अंडरस्टैंड हो आपके अकाउंट्स, ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। कंपेटेबिलिटी, कंपेटेबिलिटी होता है आप जब किसी चीज़ को ना कंपेयर करते हैं, जब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 2001 से लेकर 2021 तक के अकाउंट्स मेंटेन करे, अब आप हर एक ईयर को आप कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब कंपेयर कर सकते हो कि हमने इस ईयर में कितना कमाया, इस ईयर में कितना कमाया, फिर इस ईयर और इस ईयर में कितना कमाया, इस ईयर और इस ईयर में कितना कमाया था, इस ईयर और इस ईयर में कितना कमाया, आप कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे को, ये चीजें होती है आपकी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिर है फेथफुल प्रेजेंटेशन, आप अपने अकाउंट्स को जब प्रेजेंट करते हैं तो वो फेथफुल होना चाहिए, मतलब वो भरोसेमंद हो, वो आप उस पर ना मतलब भरोसा कर सकें, ठीक है। तो इस तरह की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी, रिलायबिलिटी है, रेलेवेंस है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, कंपेटेबिलिटी है और फेथफुल प्रेजेंटेशन है, क्लियर है जी। तो देखिए आज हमने क्या कुछ किया है, पहली बात तो अकाउंटिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी, जो किसने दी है, APA ने दी है, ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने। उसके कुछ हमने प्रोसेस पढ़े जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हमने एक निमोनिक बनाया जो है IMRC SAC, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे हमने देखे, इसमें हमने यूजर्स देखे कि इंटरनल यूजर्स कौन से हैं, एक्सटर्नल यूजर्स कौन से हैं, ठीक है। फिर है बुककीपिंग, बुककीपिंग क्या होता है, आपका जो रिकॉर्डिंग करने तक का जो रिकॉर्डिंग करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं बुककीपिंग। बुककीपिंग जहां खत्म होगा वहां से शुरू हो जाएगा आपका क्या, अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के बाद अकाउंटेंसी, सॉरी अकाउंटिंग के बाद जब इस पूरे प्रोसेस को इन दोनों को मिला के बनता है, वैसे ऐसा लिख सकते हैं इसको, बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग इक्वल टू अकाउंटेंसी, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। फिर हमने इसकी कुछ ब्रांचेस भी देखी, कॉस्ट अकाउंटिंग देखी, कॉस्ट की बात करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखी जिसमें मैनेजमेंट की अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग देखी, एनवायरमेंटल पे कोई एनवायरमेंट पे कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा ऐसा देखा। फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग देखी जिसमें हमने ह्यूमन की एक वैल्यू निकाली, ठीक है, वो होते हैं आपने आपकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। फिर कुछ एडवांटेजेस हैं आपकी अकाउंटिंग की और लिमिटेशंस भी हैं, एडवांटेज हैं तो लिमिटेशंस भी हैं, और कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए, ठीक है जी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, ठीक है, और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, और टेलीग्राम का हमारा एक ग्रुप है कॉन्सेप्चुअल स्टडी, इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच,